नंबर 17 की, ग्रुप नंबर 17 में देखो बच्चों क्या आएगा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, यही रहते हैं, यस और नो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, सही है? ओके, हाँ सर, या इन सबको क्या बोलते हैं पता है आपको? हैलोजन्स। इनका मतलब होता है शॉल्ट बनाने वाले। ग्रुप 16 को बोलते हैं चालकोजन, उसका मतलब होता है रॉ मटेरियल बनाने वाले। हेलोजन चल का मतलब होता है शॉल्ट बनाने वाले, जिसमें ग्रुप नंबर 17 आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यस और नो? ओके, अब हम बात करेंगे इसमें रेड एस्टेटिन जो है लास्ट वाला, वो अच्छा सा कैसा है बच्चों? अच्छा सा रेडियो एक्टिव है। रेडियोएक्टिव। एस्टेटिन कैसा है बच्चों? रेडियो एक्टिव है। सभी में प्रॉपर्टीज सेम होती है, मींस सभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट एलिमेंट की तरह वो कन्वर्ट होते हैं। सुनो, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है इसका एबंडन बहुत ज्यादा है, फेयरली एबंडन, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन है उसका जो एबंडन है बहुत ही कैसा है, कम है। फ्लोरीन इज अ प्रेजेंट मेनली इन एज अ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। चलो फ्लोरीन की बात करें तो कौन से फॉर्म में आता है वो? फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ओके वो आ गया आएगा फ्लोराइड्स, ओके, जिसमें CF2 जिसको बोलते हैं फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट, Na3AlF6, ओके, क्रायोलाइट, फ्लोर स्पार एंड फ्लोर एपेटाइट। इज इट क्लियर, यस और नो? इसको बोलते हैं फ्लोर एपेटाइट, याद होगा आपको, हमने देखा था ऑलरेडी। चलो अब क्लोरीन की बात करते हैं, आप सोचो क्लोरीन कहाँ पे आता होगा? एपेटाइट याद है ना आपको, CA3 फ्लोर एपेटाइट, CA3PO4 ट्वाइस इंटू CAF2, आगे कितना लिख दो भाई? 3 लिख दो। नेक्स्ट वन, स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन अ सॉइल, रिवर, वाटर प्लांट्स एंड बिकम्स द टीथ ऑफ एनिमल्स, टूथ में होता है ये फ्लोर एपेटाइट। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, क्लोराइड्स कहाँ से आपको मिलेगा बताओ? क्लोराइड्स आपको कहाँ पे मिलेगा बच्चों? वाटर यस, सी वाटर में आपको क्लोराइड मिलता है, सबसे ज्यादा वहीं पे मिलेगा आपको। ब्रोमाइड, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सब कुछ सी वाटर में ही है, सभी के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोराइड होता है, मेनली सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों के क्या होते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है बताओ? सी वाटर में सबसे ज्यादा कौन कौन होता है? क्लोराइड 2.5% बाय मास होता है। अब हमें पता ही है कि एक होता है कार्नेलाइट, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2, हमने कहीं पे पढ़ा था ये, आपको याद करवा दूं, पोटेशियम की जो रो मेटल है वो होता है कार्नेलाइट, ओर, सॉरी, पोटेशियम की जो ओर है वो होती है कार्नेलाइट, तो उसमें क्लोराइड भी आता है, समझ सकते हो आप? सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मराइन कंटेन्स आयोडाइड, आयोडाइड कहाँ पे होता है? सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मराइन कंटेन्स आयोडाइन, सी वीड्स फॉर एग्जाम्पल अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन, एंड चिली सॉल्ट पीटर कंटेन्स अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। चिली सॉल्ट पीटर, मोस्ट टाइम भी चिली सॉल्ट पीटर मतलब KNO, इंडियानो, NaNO3, KNO3 नहीं, NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3 के अंदर
कौन होता है बच्चों 0.2% कौन आएगा, सोडियम आयोडेट Na(IO3)। याद रखो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि चिली सॉल्ट पीटर में 0.2% सोडियम आयोडेट आता है, समझे बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल देखेंगे, आज सब अकरेंस देखते हैं क्योंकि कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही सही है और बहुत मजा है, ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, चलो यहाँ तक ओके, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।